नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है मुकेश और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्वैगंट टेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यू टेलीविजन के यू यूरेका ब्लैक के बारे में, जो आज इंडिया में लॉन्च हो गया है और रात 12 बजे से आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगा। सुनने में दोस्तों ये आ रहा है कि यह फोन एक कॉपी है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉपी करना अच्छी बात है, कॉपी करना बुरी बात है, क्या इस फोन में हमारे लिए है और क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, तो ये मेटल यूनिट बॉडी के साथ ये फ़ोन आता है। और अगर बात करें डिस्प्ले की, तो 5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाता है। जी हाँ, 180p का जो डिस्प्ले है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और साथ के साथ 2.5D कर्व्ड ग्लास इसके अंदर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात इस फोन के अंदर है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है। और जो पिक्सल की डेंसिटी है वो है 441 PPI। तो डिस्प्ले ऑन पेपर्स बहुत ही शानदार है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्नैपड्रैगन 430 इसके अंदर दिया गया है। थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये कैसे परफॉर्म करता है। एड्रीनो 505 GPU इसके अंदर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद ये काम करता है 1.4 GHz octa-core प्रोसेसर 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, और एंड्रॉयड 6.0 यानी कि मार्शमेलो के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड नोगट माइक्रोमैक्स या यूरेका दे सकते थे इस फ़ोन के अंदर, लेकिन एंड्रॉयड 6.0 ही दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यह फ़ोन नोगट अपडेट आपको जल्दी से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम इसकी स्टोरेज और मेमोरी की। 4GB की रैम इसके अंदर दी गई है। जी हाँ, 899 रुपीज़ के अंदर आपको 4GB की रैम इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है। साथ के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस रेंज के जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर 2GB या 3GB रैम आपको मिल जाती है, और उसके साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पर यू यूरेका ने एक अच्छा काम किया है कि 32GB की इंटरनल स्टोरेज दे दी और साथ के साथ 4GB की मैसिव रैम आपको इसके अंदर दी गई है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके कैमरे की, तो यहाँ पर यू यूरेका ने काफ़ी अच्छा काम इसके अंदर किया है। जो रियर कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ, और जो 1.2 माइक्रोन पर ये काम करता है। उसके बाद फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि आजकल एसेंशियल है। 13 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल जो है फ्रंट कैमरा। उसके साथ जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ माइक्रोमैक्स ने की है, यूरेका ने की है, वो है कि रियर साइड में डुअल LED फ्लैश दी गई है, और फ्रंट में भी आपको सेल्फी के लिए इसके अंदर फ्लैश मिल जाती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि फ्रंट में है। काफ़ी महंगे फ़ोन्स में ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये फ्रंट में मिलता है, तो एक लो बजट के अंदर 9,000 रुपये के बीच में आपको जो है ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, वो सोनी IMX सेंसर 258 उसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि लिनोवो ने K6 पावर में किया था, और उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी कैमरा डिपार्टमेंट में। हमें कुछ इमेजेस मिली हैं यू यूरेका ब्लैक के कैमरे से ली हुई, तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, और मुझे उसके कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी है। दोस्तों अगर अब बैटरी की बात करें, तो इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी दी गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यूरेका पिछड़ जाता है, क्योंकि आजकल के कंपटीशन में 4000 mAh की बैटरी नॉर्मल है जो हमें नए स्मार्टफोन में मिल जाती है। फिर भी 3000 mAh की बैटरी हम इसे बुरी नहीं कह सकते, लेकिन 4000 mAh की बैटरी होती तो मज़ा आ जाता है इस फ़ोन में। और उसके अलावा इसके अंदर लगभग सभी सेंसर दिए गए हैं। जायरोस्कोप सेंसर का जिक्र नहीं किया गया है कहीं पर, देखने वाली बात ये होगी कि इसके अंदर जायरोस्कोप दिया है या नहीं दिया है। और अगर बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो 4G 3G 2G सब ये सपोर्ट करता है। दोनों सिम इसके VoLTE सपोर्ट करते हैं, और जो ब्लूटूथ है वो 4.0 है। माइक्रो USB 2.0 इसके अंदर दिया गया है। चार्जिंग इसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है,
माइक्रो यूएसबी 2.0 है। जो चार्जर आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का। तो लगभग ये सब कुछ था यूरेका ब्लैक के अंदर। और अब आजकल इसके बारे में मतलब हमें सुनने को मिलता है कि माइक्रोमैक्स का नाम ले दिया तो एक तरह से कॉपीकैट। तो ये भी एक विको जो कंपनी है उसका यू फील एक स्मार्टफोन आया था पिछले साल, उसकी कॉपी इस फ़ोन को बताया जा रहा है। तो लुक वाइज अगर देखते हैं तो हाँ बिल्कुल उसकी कॉपी है, हमें देखने में थोड़ा सा उसको फिनिशिंग दे दी है इस फ़ोन की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स को क्या मिल रहा है। ठीक है, वो नाम अपना ख़राब कर रहा है माइक्रोमैक्स, ठीक है, लॉन्ग टाइम लॉन्ग रन में उसके दिक्कतें आएंगी कॉपी करने के लिए, लेकिन कस्टमर्स को क्या मिल रहा है। 9000 के अंदर आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट फ़ोन है, लेकिन 9000 रुपये में आपको 4GB की रैम, 32GB की स्टोरेज, 13MP सोनी कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 32GB इंटरनल स्टोरेज, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट में, 5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन। तो मतलब नॉर्मल सी बात है यार, 9000 रुपये में एक बहुत ही अच्छी डील में से कह सकता हूँ। और कॉपी किया है तो किया है, हमें इससे ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इस बात को और जायज़ भी है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या मिल रहा है 9000 रुपये के अंदर। एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है, ठीक है, मेरी ये राय है। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो यू फील स्मार्टफोन था उसकी कॉपी माइक्रोमैक्स ने यूरेका ने की है, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 9000 रुपये में जो ये स्पेसिफिकेशंस हैं इनके साथ ये फ़ोन एक अच्छा फ़ोन है या फिर ये मतलब एक बकवास फ़ोन है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कह दें कि ये एक कॉपी है। ठीक है, कॉपी होना अलग चीज़ है और परफॉर्म करना अलग चीज़ है। तो आप ही मुझे बताएंगे कि आपको ये फ़ोन इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी और क्या यह कॉपी करके यूरेका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है या फिर वैल्यू फॉर मनी है कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही था यूरेका ब्लैक के बारे में, और जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अंदर सुधार ला सकें।